बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च, जिसमें हमारे पास चार टाइप्स हैं: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली इज़ द थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसकी वैल्यू में चेंज आता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम स्कोर हो गया, कभी भी एग्ज़ाम में एक जैसे मार्क्स नहीं आते। आपकी एब्सेंटीज हो गई, हाइट, वेट, इनकम, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सो वेरिएबल इज़ द थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। फर्स्ट टाइप है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स दैट आर मेजर्ड। वो वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल उसको अफेक्ट कर सकता है। इस पे रिसर्चर ये देखता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे जो चेंज आ रहा है वो क्यों चेंज आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होगी उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगी, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सेल्स, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? एडवर्टीज़मेंट पर। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट अफेक्ट कर रही है सेल्स को। सो एडवर्टीज़मेंट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेल इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली वी नो दैट सी इज़ इक्वल टू वाई, जहाँ पर सी हमारे पास कंजम्पशन है और वाई इनकम है। कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारी इनकम पर, तो ऑब्वियसली अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कम होगी तो कम कंज्यूम करेंगे। सो कंजम्पशन यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कम होगी तो कम कंज्यूम करेंगे। सो इनकम अफेक्ट कर रही है कंजम्पशन को। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद आज़ाद हो। वो वेरिएबल जो दूसरों को अफेक्ट करता है खुद अफेक्ट नहीं होता। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। अब यहाँ पर अगर हम वही एग्जांपल लें एडवर्टीज़मेंट और सेल्स की, तो जैसे जैसे एडवर्टीज़मेंट बढ़ेगी वैसे वैसे सेल्स बढ़ेंगी, तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट जो है वो अफेक्ट कर रही है सेल्स को। सो एडवर्टीज़मेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है सेल्स को। इसी तरह अगर हम प्राइस और डिमांड की एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है अगर किसी की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो वो कंपनी उसकी प्राइस को कम कर दे ताकि लोग उसको ख़रीदें। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और आपकी रिसर्च पर। ये आपने अपनी रिसर्च में देखना है कि वो वेरिएबल जो अफेक्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो वेरिएबल जो अफेक्ट हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपने ये बताना है कि इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आपने इंडिकेट करना है। A manager believes that good supervision and training would increase production level of manager. अब यहाँ पर गौर से देखें और बताएं कि यहाँ पर independent variable कौन सा है और dependent variable कौन सा है। अब manager believe करता है कि जो good supervision और training है वो increase करती है एक manager के production level को। तो यहाँ पर सुपरविजन और ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है एक मैनेजर के प्रोडक्शन लेवल को। सो प्रोडक्शन लेवल ऑफ मैनेजर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सुपरविजन एंड ट्रेनिंग इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड टाइप हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल की है। द टर्म मॉडरेटिंग वेरिएबल रेफर्स टू अ वेरिएबल दैट कैन स्ट्रेंथन, diminish, negate or otherwise alter the association between independent and dependent variable. Moderating variable हमें dependent और independent variable के दरमियान जो relationship होता है उसके बारे में बताता है कि वो relationship कैसा है, ज़्यादा है, कम है, negative है, positive है, strong है, weak है, ये सारी चीज़ें indicate करता है। For example,
एक्स वेरिएबल इज अफेक्टिंग वाई। अब एक्स वेरिएबल जो है वो कितना अफेक्ट करता है, इसके लिए दरमियान में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल आ जाता है। ये ज़्यादा भी अफेक्ट कर सकता है और कम भी अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कह लें, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और टीचर्स का यह मानना है कि उस लाइब्रेरी का बहुत इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर। अब वो लाइब्रेरी कितना अफेक्ट करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, इसको मेजर करने के लिए दरमियान में मॉडरेटिंग वेरिएबल है इंटरेस्ट। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बुक्स में तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। अगर स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है या कम इंटरेस्ट है तो उनकी परफॉर्मेंस भी कम होगी। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल। फोर्थ टाइप है हमारे पास इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल। अ मीडिएटिंग वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट लिंक्स द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है। इसमें यह है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकता डिपेंडेंट वेरिएबल को, बल्कि वो पहले अफेक्ट करेगा मीडिएटिंग वेरिएबल को और उसके बाद जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल, जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को। जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर सकती ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, बल्कि वो पहले क्रिएट करती है साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क क्रिएट करती है, और जितनी अच्छी टीम वर्क होगी, जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर पहले वर्कफोर्स डाइवर्सिटी साइनर्जी क्रिएट करती है, मींस कि टीम वर्क क्रिएट करती है, और वो फिर आगे से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाती है। अब अगर हम इन चारों वेरिएबल्स का इकट्ठे आपस में रिलेशनशिप देखें, तो अगर हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की ही एग्जांपल ले लें कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, तो उनके डिफरेंट एथिक्स होंगे, डिफरेंट रिलीजन होगा, एज, बिलीफ, सब कुछ डिफरेंट होगा। अब वो ऐसे ही जो है वो साइनर्जी क्रिएट नहीं हो जाएगी, ऐसे ही टीम वर्क नहीं बन जाएगी। टीम वर्क भी क्रिएट करने के लिए दरमियान में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा मैनेजेरियल एक्सपर्टिस। मैनेजेरियल एक्सपर्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा टीम वर्क अच्छा होगा। अगर मैनेजेरियल एक्सपर्टिस लोगों को सही से मैनेज नहीं कर पा रही तो टीम वर्क भी नहीं होगा। टीम वर्क में अगर लोग एक दूसरे को समझते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली 1+1 2 नहीं होगा बल्कि 11 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैनेजेरियल एक्सपर्टिस मॉडरेटिंग वेरिएबल है, और क्रिएटिव साइनर्जी हमारे पास मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल है। अगर हम इस पूरे लेक्चर को समराइज कर दें तो हमारे पास चार टाइप्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई और उसको अफेक्ट कर सकता है, जैसा कि सेल्स हो गई, एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही हैं। अब सेकंड था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरों को अफेक्ट करता है, खुद पर उसका कंट्रोल होता है, वो सिर्फ दूसरों को अफेक्ट करता है, जैसा कि एडवर्टीजमेंट हो गया। थर्ड हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल था, जो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इंडिकेट करता है, कम है, ज़्यादा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके बारे में बताता है। फोर्थ वेरिएबल हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल था, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है या मुदाखलत करता है। इसमें जो इंडिपेंडेंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसे पहले अफेक्ट करना होता है मीडिएटिंग वेरिएबल को, और मीडिएटिंग वेरिएबल फिर आगे अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। होप्स हो अब आपको रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।